मित्रों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के कटनी जिले स्थित पूर्व सनातन मंदिर, जो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। यह बनगावा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। ये सूर सनातन मंदिर की एक अजीब कथा है, अजीब कहानी है, जो आपको हम बताते हैं। यहाँ पर एक ठाकुर महिपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, और ठाकुर महिपाल सिंह कटनी जिले के बरही तहसील में सन 1977 और सन 1975 की बात है। यहाँ पर ग्राम पंचायत बरही हुआ करता था, और ग्राम पंचायत बरही में सचिव के रूप में कार्यरत थे ठाकुर महिपाल सिंह। सचिव के रूप में कार्यरत होते हुए उन्होंने यहाँ पर एक दिव्य सूर्य मंदिर स्थापित करने का संकल्प लिया, और दमदहा नाला के पहाड़ी है, इस पहाड़ी में उन्होंने सूर्य मंदिर की स्थापना कर दी। धीरे धीरे सूर्य मंदिर की स्थापना के बाद पहाड़ी को समतलीकरण करके इसे रास्ता मार्ग बनाकर व्यवस्थित करने का कार्य किया गया। सन 1977 से सन 2005 तक बाबा रहे, और उसके बाद फिर बाबा ईश्वर को प्यारे हो गए। लोग बताते हैं कि यह सूर्य मंदिर लगभग आज से 40 साल पुराना मंदिर है। 75 और 76 सन 1975-76 में यहाँ पर स्थापना करने के बाद यहाँ पर महाशिवरात्रि में मेला भी लगाया जाता था। आपको दिखाते हैं कि यह पूरा प्राकृतिक नज़ारा से भरा हुआ है। ये पूरा आज बारिश का मौसम क्योंकि है, इसलिए थोड़ा सा आपको कम दिखा पा रहे हैं। ये पूरा प्राकृतिक नज़ारा है। यहाँ पर ये शिव जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, और शिव जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करके यहाँ लोग पूजा अर्चना करने भी आते हैं। और सूर्य मंदिर का यह सूर्य मंत्र आपको दिखा रहे हैं। यह सूर्य मंत्र यहाँ पर बनाया गया था, जिसकी छवि यहाँ पर बनाई गई थी, और यह सूर्य मंत्र बाबा के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। ये ऊपर से देखने में सूर्य मंत्र की तरह यहाँ पर लगता है, और यहाँ पर झंडे पूरे लगे हुए हैं मंदिर, और ये पूरी ये बरम बाबा का चबूतरा है। यहाँ पर लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ अमावस और पूर्णमासी के दिन आते हैं। देखिए प्रकृति का अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। यह बहुत पुराना और प्रकृति के बीच स्थापित मंदिर है, सूर्य सनातन मंदिर। यह है, आपको बता दें कि बनगावा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ प्रकृति की अजीब छटा है, बिल्कुल शांतमय वातावरण है। मेडिटेशन के लिए एक बेहतरीन स्थान है। हम लोग यहाँ पर नित्य प्रति आकर योग और प्राणायाम भी करते हैं। ये पतंजलि योग समिति के लोग भी यहाँ पर आते हैं, जो योग प्राणायाम करते हैं। इसके पीछे का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं, जिसमें यहाँ पर एक हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो यहाँ पर स्थापित कराई गई थी। यह काफ़ी लगभग 30 फीट की ऊंची प्रतिमा है जो यहाँ पर विराजमान है, और ये पूरी पहाड़ी यहाँ पर है। यह
काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। सुबह सुबह पूरी तरह ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर बढ़िया रहता है। पीपल के यहाँ पर कम से कम काफ़ी पेड़ हैं, पीपल और नीम के तो यहाँ पर कम से कम 1000 से लेके 2000-2500 तक पेड़ होंगे, जो यहाँ पूरे पहाड़ी में नीम के पेड़ हैं। ये बाबा के द्वारा बनाया गया था स्तंभ है, जिसमें झंडा और वो लगाया गया था। लोग बताते हैं कि इस सूर्य मंदिर में कई हवन यज्ञ और कई धर्मात्मा आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आयोजन भी हो चुके हैं। यह काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ पर धूनी लगाया करते थे बाबा, जो लगातार कंटिन्यू जलती थी। यह धूनी का स्थल है जहाँ पर बाबा के द्वारा लकड़ियों से धूनी लगाकर 24 घंटे यह धूनी जलती थी और यहाँ पूरा धुआं रहता था। उसके बाद अब यहाँ पर उनकी पत्नी आकर कभी कभी आती हैं, पूरा धीरे धीरे खंडहर की ओर हो रहा है, पर यह प्रकृति की बहुत बड़ी धरोहर अभी बची हुई है, जिसको हम लोग सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य मंदिर है, यहाँ पर सूर्य मंत्र के सूर्य यंत्र भी बनाया गया है। आज थोड़ा बारिश चल रही है।